अब भी जाग जाओ, आओ साथ आओ और उनके घर को बचाने को आवाज उठाओ। नमस्कार, इस वक्त हम रक्सौल के शिव यानी शिव मंदिर में हैं और यहाँ पे कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष और अखिलेश दयाल जी के नेतृत्व में यहाँ पर हवन किया जा रहा है। और आपको बता दें कि उत्तराखंड में जो भूस्खलन हो रही है, दरारें पड़ रहा है, वहाँ के लोग संकट में हैं और उसी के सुख शांति के लिए आज ये लोग हवन कर रहे हैं। चलिए इन लोग से पहले बात करते हैं। अच्छा बताइए, हवन मतलब क्यों किया जा रहा है? सबसे पहले तो हवन हमारे हिंदू धर्म के लिए नहीं बल्कि विश्व के लिए भी एक अनुष्ठान होता है, और जिससे शुद्धिकरण और जिस प्रकार हमारे देवों के देव धरती और जहां सबसे ज़्यादा देवों की आत्मा बसी हुई है उत्तराखंड में, और उत्तराखंड के बद्रीनाथ और केदारनाठ में जाने के क्रम में जोशी मठ जिस रास्ते से हम जाते हैं, उस रास्ते में जिस प्रकार की प्राकृतिक आपदाएँ आ रही हैं और आज तक जितने भी वहाँ टीमें जा रही हैं वो पता लगाने का काम कर रही हैं कि यह गलतियाँ जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इंसानों की है या प्रकृति की नाखुशता है, उसको लेकर कौन सा यह जो कार्य है जिसके कारण आज तक जोशी मठ में एक तिनका भी खसकने का काम नहीं किया, वो काम क्यों हो रहा है, उसको लेकर हम कहना चाहेंगे। आज से कई वर्ष पूर्व जिस प्रकार केदारनाथ में प्रकृति की आपदा आई थी और आज जो है जोशी मठ में जिस प्रकार भूस्खलन की जो आ रही है बातें हो रही हैं और वहां से लोग पलायन करके दूसरे जगह जा रहे हैं, उसको लेकर हमने सोचा कि कम से कम वैसे लोगों का कहीं ना कहीं देवों के देव महादेव जो हैं रुष्ट हो चुके हैं, उनको मनाने के लिए और प्रकृति के नियमों जो इंसान जो है प्रकृति के नियमों में बदलाव करना चाहती है, हम चाहेंगे कि कम से कम प्रकृति को अपना काम करने दिया जाए और इंसान अपना काम करे, क्योंकि जब प्रकृति का निर्माण हुआ, सृष्टि का निर्माण हुआ, तो सृष्टि के निर्माण के साथ ही इंसानों के आने से पहले केदारनाथ और बद्रीनाथ का निर्माण हो चुका था। इसको लेकर हम चाहते हैं कि कम से कम वहाँ जो सरकारें स्थापित हैं या सरकारें जो हैं उन सरकारों को हम बताना चाहेंगे कि कम से कम जो प्रकृति ने जो बनाया है उस बनावट को कम से कम बदलाव मत कीजिए, क्योंकि बार बार प्रकृति चेतावनी दे रही है। और हम कहेंगे, एक थॉट भी है अंग्रेजी में कि गॉड इज़ द फादर ऑफ नेचर, आज जो है ह्यूमैन इज़ द फादर ऑफ नेचर बनने का जो काम हो रहा है, इसको लेकर हम इंटरफेयर करना चाहेंगे और कहना चाहेंगे कम से कम सरकार वैसी बातों को अपने ज्ञान में ले और कम से कम देवों के देव महादेव को आस्था को बचाने का काम करे। यह जो है मानव कल्याण के लिए और वहाँ के लोगों के कह सकते हैं वहाँ के लोगों के दीर्घायु के लिए और वहाँ के लोगों के बचाव के लिए, जोशी मठ के कल्याण के लिए यह हवन हम कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि बद्रीनाथ और केदारनाथ जाने का रास्ता जो जोशी मठ है, और सिर्फ जोशी मठ ही नहीं, वहाँ के बने तमाम भवनों में दरारें पड़ चुकी है, वहाँ के लोग रो रहे हैं और सुख चैन सबका उड़ चुका है, और उसी के शांति के लिए आज कांग्रेस और वार्ड नंबर 19 के सोनू जी हैं, इनके द्वारा आज यहाँ पर हवन करके उन लोगों की शांति के लिए लोग कामना कर रहे हैं भगवानी महादेव से। तो क्या कहना चाहते हैं सोनू जी? देखिए, हम कामना यही चाहते हैं, जो हम लोग आज हवन का जो हम लोग कार्यक्रम रखे हैं, इसमें विश्व का कल्याण हो, धर्म का विजय हो, अधर्म का नाश हो, विश्व कल्याण हो, सब जो है जनता मालिक को जो जहाँ है जैसे है जितना हो सके वो लोग भी प्रार्थना करें भगवान से, और लोगों जो जितना लोग पर कष्ट हो रहा है, जो दुर्घटना हो रहा है, कहीं ना कहीं भगवान तो रूठे हुए हैं, उनको मनाने का काम किया जाए। बिल्कुल सही, लेकिन हम भी चाहेंगे थोड़ा हम भी हवन में थोड़ा सा हम भी हवन कर ले। चलिए, हम भी चाहते हैं भगवान महादेव से कि सभी उत्तराखंड के वासी को सुख चैन मिले, और जो दरारें पड़ रही है, प्रकृति को छेड़छाड़ किया जा रहा है, ऐसा नहीं किया जाए, ताकि भगवान महादेव रूठे ना, और जो दिन देखने को मिल रहा है शायद नहीं मिले। एक बार बोलिए, हर हर महादेव, हर हर महादेव।